हेलो गाइज, वेलकम टू अनबॉक्स डेली। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि MI 10T को कैसे हम स्टॉक एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम MI 10T में डालेंगे गूगल डिस्कवर फीड, एड अ ग्लांस विजिट, स्टॉक एंड्रॉयड की थीम्स, आइकन, फॉन्ट्स, वॉल्यूम कंट्रोल्स को भी स्टॉक एंड्रॉयड जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, नोटिफिकेशन शेड को भी स्टॉक एंड्रॉयड जैसा बना देंगे, GCAM इंस्टॉलेशन भी हमने कवर की है, ऐप ड्रॉर और रीसेंट ऐप्स को भी स्टॉक एंड्रॉयड जैसा बना दिया है, और गूगल असिस्टेंट को होम स्क्रीन से कैसे लॉन्च किया जाए इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए गाइस, सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें पिक्सल 4a की थीम। तो इसके लिए आपको थीम्स में जाना होगा, वहाँ पे जाके आपको पिक्सल 4a सर्च करना है, और एक बार आपको जब पिक्सल 4a सर्च करके जो उसमें पहला ऑप्शन मिले उसे इंस्टॉल कर लेना है। उसका आइकन कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आपको दिख ही रहा है, उसमें बड़ा बड़ा 4a लिखा हुआ होगा। उसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अप्लाई कर लेना है। तो वंस ये कर लिया है, इसमें आपको आइकन्स मिल जाएंगे, प्लस आपको पूरी थीम तो मिल ही रही है, इसके आइकन्स को भी आपको अप्लाई कर लेना है। ये एकदम स्टॉक एंड्रॉयड जैसे ही लगते हैं। तो वंस ये दोनों काम कर लेने के बाद आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको फिर से थीम्स में जाके एंड्रॉयड सर्च करना है, और ये जो एंड्रॉयड लिखी हुई थीम है जिसमें बड़ा बड़ा एंड्रॉयड लिखा हुआ है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी ऐप ड्रॉअर में सारे आइकन्स जो हैं वो गोल आ गए हैं, सर्कुलर आइकन्स हैं जैसे स्टॉक एंड्रॉयड में होते हैं, और इसकी जो फॉन्ट है वो भी बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड जैसी ही हो गई है। चलिए अब मूव कर लेते हैं GCAM इंस्टॉलेशन की तरफ। तो मैंने एक वीडियो पहले ही इसके ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने MI 10T का स्टॉक कैमरा और GCAM को कंपेयर किया था। मैं उसका लिंक यहाँ टॉप राइट हैंड कॉर्नर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसमें देख सकते हैं कि GCAM इंस्टॉलेशन के बाद आपको काफ़ी सारे स्टॉक एंड्रॉयड कैमरा के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड, नाइट साइट और हाइपरलैप्स वीडियो। तो आपको GCAM इंस्टॉलेशन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ GCAM सर्च करना है गूगल पे जाके। वहाँ पे जाके जो ये आपको पहला लिंक मिलेगा सेल्सो एजेवाडो का, उसको आपको क्लिक कर लेना है। उसको खोलने के बाद आपको ये सजेस्टेड वर्जन्स में जाना है। सजेस्टेड वर्जन्स में आपको काफ़ी सारे स्टेबल GCAM के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसमें से आपको देखना है कि आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है अपने स्मार्टफोन के लिए। MI 10T के लिए मुझे एक मिला है, उसमें आपको उसके MI 10T के कॉन्फ़िग्स मिल जाएंगे। तो आप उसको कॉन्फ़िग के हिसाब से ढूंढने के बाद जिसमें भी कॉन्फ़िग में आपको अपना स्मार्टफोन मिल जाए वो वाला आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इस लिस्ट में से बस अपना फ़ोन देखना है। जैसे मेरे को ये MI 10T का मिल गया इस वाले GCAM मॉड के लिए, तो इस वाले APK को मैं डाउनलोड कर लूँगा और अब उसको मैं इंस्टॉल करने के लिए किसी भी फाइल मैनेजर में खोल लूँगा और उस फाइल मैनेजर के थ्रू मैं उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। एक चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि इंस्टॉल करने से पहले आपको अननोन सोर्सेज को अलाउ करना होगा, सो दैट कि अननोन सोर्सेज से आप डायरेक्टली APK इंस्टॉल कर सकें। इस केस में मैं MI का स्टॉक फाइल मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ। चलिए अब आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अननोन सोर्सेज को अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे जाके अननोन सोर्सेज सर्च करना है। तो यहाँ पे जब आपको अननोन सोर्सेज मिल जाता है तो नीचे स्क्रॉल करके आपको उसको इनेबल करना होगा, सो दैट आप किसी भी अननोन सोर्स से APK को इंस्टॉल कर सकें। जनरली आप ऐप्स प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, सो दैट इस केस में ऐसा ना हो तो इसलिए मैंने MI के स्टॉक फाइल मैनेजर को अननोन सोर्सेज से APK इंस्टॉल करने के लिए अलाउ कर दिया है। फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जब APK इंस्टॉल कर लें तो ये जो आपने परमिशन अलाउ करी है इसको फिर से टर्न ऑफ कर दें और डिसअलाउ कर दें, और APK इंस्टॉल करने के बाद आप देख ही सकते हैं कि GCAM अब आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कवर फीड के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे आप लेफ्ट मोस्ट स्क्रीन पे डिस्कवर फीड को ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लॉन्चर की सेटिंग्स में जाना है, जो कि आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक गूगल डिस्कवर फीड का बटन मिल जाएगा, ये MIUI के स्टॉक लॉन्चर में अब बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। बस इसको टर्न ऑन करते ही आपको लेफ्ट में अपनी पर्सनलाइज्ड गूगल की डिस्कवर फीड मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एट अ ग्लांस विजिट की। तो इसके लिए भी अगर आपके फ़ोन में गूगल ऐप इंस्टॉल्ड है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता ही है। ये गूगल एट अ ग्लांस विजिट को आप डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन पे प्लेस कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, और इसको आप हमेशा रख सकते हैं। ये आपकी लोकेशन के हिसाब से वेदर अपडेट करता रहेगा और डेट भी आपको दिखाता रहेगा। एक चीज़ और, ये जो ऐप ड्रॉअर है इसको भी आप लॉन्चर की सेटिंग्स में जाके टर्न ऑन कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, आपको अपफ्रंट ही इसको टर्न ऑन करने का बटन दिख जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक एंड्रॉयड वॉल्यूम कंट्रोल बटन लाने के लिए। तो इसके लिए आपको एक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी, ये बिल्कुल फ्री टू डाउनलोड ऐप है, आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है अल्ट्रा वॉल्यूम, और इसके
लिए आप वॉल्यूम स्टाइल चेंज करके भी सर्च कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये सर्च करने से आपको ये ऐप पहले या दूसरे नंबर पे मिल जाएगी। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। इसमें काफ़ी कस्टमाइजेशन एज वेल एज थीमिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। कुछ कुछ इसमें आपको टर्न ऑन करने के लिए परमिशंस भी हैं, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये टिप्स आ रही होंगी, इसके थ्रू आप अपनी परमिशंस अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये जो ऐप है, ये आपसे एक तो ड्रॉ ओवर योर लॉन्चर की परमिशन मांग रहा है, और दूसरा नोटिफिकेशन की भी परमिशन आपसे मांगेगा। वो सारी परमिशंस मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सेसिबिलिटी की भी परमिशन आपको टर्न ऑन करनी होगी। ये बेसिक परमिशन है, ये जनरली ऐप्स ले लेती हैं सो दैट कि वो आपके फ़ोन की कुछ सिस्टम सेटिंग्स को चेंज कर पाएँ, तो ये भी मैंने अलाउ कर दी हैं। नाउ अब आप इसको अगर लेआउट में जाके देखेंगे तो स्किन्स के अंडर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ स्टॉक एंड्रॉयड से लेके काफ़ी कस्टम रॉम्स तक के भी ऑप्शन हैं, जिसको भी आप चूज़ कर सकते हैं और अपने वॉल्यूम स्टाइल को वैसा बना सकते हैं। मैंने अभी फॉर रेफरेंस स्टॉक एंड्रॉयड का ले लिया है, और आप देख ही सकते हैं कि अब ये जो मेरे वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के ऑप्शंस आ रहे हैं वो एकदम स्टॉक एंड्रॉयड जैसे आ रहे हैं। यहाँ से मैं अपना रिंगर भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इवन इफ़ आई वांट टू पुट माय फ़ोन ऑन वाइब्रेट या ऑन साइलेंट, तो वो भी मैं डायरेक्टली यहाँ से कर सकता हूँ। सेटिंग्स का भी एक बटन आपको मिल जाता है, उसे प्रेस करने से आप सीधा फ़ोन की साउंड सेटिंग्स में चले जाते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन शेड की। तो इसके लिए आपको एक और फ्री ऐप डाउनलोड करनी होगी। इसके लिए आप नोटिफिकेशन शेड या चेंज नोटिफिकेशन स्टाइल करके सर्च कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है पावर शेड। ये भी एकदम फ्री टू डाउनलोड ऐप है, आप इसे इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये भी वॉल्यूम कंट्रोल की तरह आपसे कुछ परमिशंस मांगेगी। ऑलमोस्ट सेम ही परमिशंस हैं। एक एक्स्ट्रा परमिशन जो मुझे यहाँ पे दिखी वो है डुअल सिम एक्सेस। मैं यहाँ पे डुअल सिम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये दे दिया। आप इसे देने से पहले एक बार सोच भी सकते हैं कि आपको ये देना है या नहीं। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज राइट परमिशन टू चेंज सिस्टम सेटिंग्स, ये भी आप अलाउ कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन शेड से आप वाईफाई या ब्लूटूथ ऑन या ऑफ कर सकें। इसके अलावा कुछ और परमिशन से ऐप ने मांगी है, जैसे कि NFC, होम स्क्रीन शॉर्टकट्स एंड द ऑप्शन टू रन इन द बैकग्राउंड। तो ये सब भी आप अलाउ कर सकते हैं सो दैट कि ये ऐप बैकग्राउंड में रन करती रहे और आपको नोटिफिकेशंस भी नोटिफिकेशन शेड में दिखा सके। इसके अलावा नोटिफिकेशन का एक्सेस भी इस ऐप ने मांगा है, वो भी आप अलाउ कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल को भी ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन हमने दे दिया था, तो इसके लिए भी आप ये अलाउ कर सकते हैं। नाउ वंस अगेन यहाँ पे लेआउट में आप देख सकते हैं कि आप नोटिफिकेशन शेड में कितने ऑप्शंस आपको एक लाइन में शो हो, रो कॉलम वाइज, ये सब चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन भी आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि कलर ऑफ द आइकन्स, उनका शेप, उनका साइज, ये सब भी आप एडिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल है, आप अपने हिसाब से इसे कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। सो अगर अब आप ऊपर बिल्कुल टॉप एज ऑफ द स्क्रीन से नीचे पुल डाउन करेंगे तो आपको ये नया वाला स्टॉक एंड्रॉयड जैसा दिखने वाला नोटिफिकेशन ही आएगा। एक इशू जो मुझे यहाँ पे दिखा वो ये है कि अगर आप डिफॉल्ट जेस्चर विच इज़ होम स्क्रीन पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अभी भी सिस्टम वाला ही आएगा। ये वाली चीज़ मैं फिक्स नहीं कर पाया। अगर आपको इसका फिक्स मिले तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाउ अब ऐप ड्रॉर के लिए मूव कर लेते हैं। तो ये ऐप ड्रॉर को भी आप स्टॉक एंड्रॉयड जैसा बना सकते हैं। जैसा आप जानते हैं MIUI में बाय डिफॉल्ट ऐप ड्रॉर नहीं मिलता है, तो उसको आप होम की सेटिंग्स में, लॉन्चर सेटिंग्स में जाके इनेबल कर सकते हैं। एक बार उसे इनेबल करने के बाद आपको राइट एंड टॉप कॉर्नर पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नाउ अब मूव कर लेते हैं रीसेंट ऐप्स को कैसे स्टॉक एंड्रॉयड जैसा करें। जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसको कम्प्लीटली पिक्सल डिवाइस जैसा बना लिया है। तो इसके लिए आपको फिर से वही लॉन्चर सेटिंग्स में जाना है, टैप एंड होल्ड होम स्क्रीन पे करके यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाके आपको नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको अपने रीसेंट ऐप्स को कैसा दिखाना है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। वर्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट MIUI में आपको लगा हुआ मिलता है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो उसमें कुछ ऐसा आता है ये, जिसमें सारी ऐप्स एक के नीचे एक वर्टिकली प्लेस हो जाती हैं। अगर इसको मुझे हॉरिजॉन्टल करना है तो वंस अगेन मैं यहीं पे से जाके इसको चेंज करके हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ। और एक बार इसे हॉरिजॉन्टल करने के बाद ये बिल्कुल मुझे स्टॉक एंड्रॉयड में जैसा मिलता है वैसा ही करके दे देता है। यहाँ पे ब्लर ऐप का भी कुछ ऑप्शन है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ कैमरा के लिए ऑन किया हुआ है, इसको डन करने के बाद आप देख ही सकते हैं। नाउ गूगल असिस्टेंट के लिए मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आप गूगल असिस्टेंट लॉन्च कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी किया। तो इस केस के लिए अगर आपको ऐसा करना है तो उसका मैंने आपको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। आप जाइए सेटिंग्स में, वहाँ पे गूगल असिस्टेंट सर्च करिए, वहाँ पे आपको एक ये मिल जाएगा प्रेस एंड होल्ड करने का। सो गाइस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने MIUI वाले फ़ोन को स्टॉक एंड्रॉयड जैसा बना पाएंगे। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन OS की जो OnePlus डिवाइसेस देता है उसकी तारीफ करी जाती है कि उसका जो UI है काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड जैसा लगता है, तो आप सेम एक्सपीरियंस MIUI में भी पा सकते हैं। आप बस इन टिप्स का फॉलो करिए और अपने MIUI वाले फ़ोन को भी स्टॉक एंड्रॉयड जैसा बना लीजिए।